गदर और कहो ना प्यार है जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाली फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल मुश्किल में पड़ सकती है। अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ खंडवा के सिटी कोतवाली थाने में धोखाधड़ी करने का आवेदन दिया गया है। बता दें कि 23 अप्रैल को खंडवा के नवचंडी देवी धाम में होने वाले स्टार नाइट में अमीषा पटेल को परफॉर्म करने बुलवाया गया था, लेकिन वह मात्र 3 मिनट की स्टेज पर रही और फिर वापस लौट गयी। इसी से आहत होकर खंडवा के समाज सेवी ने अमीषा पटेल के खिलाफ कार्रवाई करने खंडवा के सिटी कोतवाली में आवेदन दिया है। खंडवा के प्रसिद्ध नवचंडी देवी धाम में लगने वाले मेले के समापन अवसर पर हर वर्ष फिल्म स्टार नाइट होती है। पिछले 2 वर्षों से कोरोना वायरस के चलते यहां फिल्म स्टार नाइट नहीं हो पाई थी। इस बार नवचंडी देवी धाम के महंत बाबा गंगाराम ने मेले के समापन अवसर पर स्टार नाइट का आयोजन किया था। इस आयोजन में फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल को 5 लाख रुपए मेहनताना देकर स्टार नाइट में परफॉर्म करने के लिए बुलाया था, लेकिन अमीषा पटेल अपनी सुपरहिट फिल्म कहो ना प्यारे के टाइटल सॉन्ग पर परफॉर्मेंस कर स्टेज से नीचे उतर गई। इतना ही नहीं, वह गाड़ी में बैठकर मुंबई जाने के लिए इंदौर रवाना हो गई। खंडवा के समाज सेवी सुनील जैन ने अभिनेत्री अमीषा पटेल के इस रवैये पर एतराज जताते हुए कहा कि यह खंडवा के लोगों के साथ धोखाधड़ी है, उनका अपमान है। उन्होंने सिटी कोतवाली थाने में अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाने का आवेदन दिया है। समाज सेवी ने आरोप लगाया कि अमीषा पटेल देरी से खंडवा पहुंची और उन्होंने मंदिर के दर्शन के बाहर जूते पहनते हुए मंदिर के दर्शन किए और स्टेज पर पहुंच गई। इनसे उनकी धार्मिक आस्था भी आहत हुई है। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल के स्टार नाइट का कार्यक्रम 23 अप्रैल को रात 8 बजे से होना था, लेकिन वह इंदौर के रास्ते खंडवा आई जिसमें उन्हें समय लगा। रात 9:45 बजे जैसे ही वह मंच पर पहुंची तो उनके फैंस की भीड़ जुट गई। ऐसे में अमीषा पटेल ने मात्र एक गाने पर अपनी प्रस्तुति देकर दोबारा आने की बात कही और चलती बनी। अमीषा पटेल को देखने आए उनके फैंस उनके आने से पहले काफी उत्साहित थे, लेकिन उनके इस तरह चले जाने से उन्हें निराशा का सामना करना पड़ा। अभिनेत्री अमीषा पटेल ने मात्र 3 मिनट में ही स्टेज पर परफॉर्मेंस दिया, जबकि सैकड़ों की भीड़ उनका घंटों इंतजार कर रही थी। लोगों ने अमीषा पटेल का यह रवैया देख इसे खंडवा का अपमान बताया। अमीषा पटेल के खिलाफ सिटी कोतवाली आवेदन पहुंचे समाज सेवी सुनील जैन ने बताया कि खंडवा सेवा के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। यह जो भी कलाकार आता है उसे मान सम्मान दिया जाता है, क्योंकि यह हरफन मौला किशोर कुमार की जन्म स्थली है। उन्होंने कहा कि महंत बाबा गंगाराम पिछले 30 वर्ष से देवी धाम पर मेले का आयोजन कर रहे हैं, जिसके समापन पर फिल्म स्टार नाइट में बड़े बड़े कलाकार शामिल होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि खंडवा के लोगों के मनोरंजन के लिए फिल्म स्टार लाइफ में आए कलाकारों को पूरा सम्मान दिया जाता है, लेकिन अमीषा पटेल ने अपनी पूरी फीस लेने के बाद भी मात्र 3 मिनट स्टेज पर रही और चली गई, जिसे खंडवा के लोग काफी नाराज हैं। अमीषा पटेल ने कहीं ना कहीं खंडवा का अपमान किया है। अमीषा पटेल ने जो किया वह धोखाधड़ी है, इसलिए हमने खंडवा के सिटी कोतवाली में उनके खिलाफ धोखाधड़ी करने का आवेदन दिया है। समाज सेवी सुनील जैन ने कहा कि अमीषा पटेल के कार्यक्रम पहले से तय था, वह किशोर कुमार की समाधि पर जाएगी, साथ ही नवचंडी देवी धाम के दर्शन भी करेगी, लेकिन अमीषा पटेल किशोर कुमार की समाधि पर भी नहीं गई और उन्होंने नवचंडी देवी धाम पर बाहर से ही जूते पहनकर दर्शन किए। इससे हमारी धार्मिक भावनाएं भी आहत हुई है। हमने उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का आवेदन दिया है। टीम भारती न्यूज। खंडवा जो शहर है वो सेवा नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ जो भी कलाकार आता है उसका सम्मान खंडवा की जनता करती है, लेकिन विगत हम देख रहे हैं कि विगत 30 वर्षों से महंत गंगाराम बाबा द्वारा बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं वार्षिक मेला के तहत, और फिल्मी स्टार नाइट का भी आयोजन खंडवा की जनता के मनोरंजन के लिए किया जाता है। बड़े बड़े कलाकारों ने आकर यहाँ इस मंच से प्रस्तुतियाँ दी है, और चूंकि अमीषा पटेल भी अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति देने खंडवा आई थी, उनको जो भी पेमेंट था 4 से 5 लाख रुपये वो जो आयोजक प्रायोजक थे उन्होंने बराबर उसका पेमेंट करने के बावजूद वो मात्र 3 मिनट यहाँ पर रुककर और खंडवा की जनता को नाराज करके चली गई। आज हम खंडवा की जनता के साथ ही कोरोना काल से जो मुक्त हुई जनता 10,000 की जनता उपस्थित थी और वो कहीं ना कहीं अमीषा पटेल के कार्यक्रम को देखना चाहती थी, लेकिन पूरी सभी को निराशा लगी। मात्र 3 मिनट की उपस्थिति देकर वो मन से चली गई। ये खंडवा की जनता का अपमान है। आज सिटी कोतवाली में पहुंचकर हमने उनके खिलाफ एक आवेदन प्रस्तुत किया है कि कहीं ना कहीं ये 400BC का मामला है और उस पर प्रकरण दर्ज कर उन पर कार्रवाई की जाए। खंडवा की तासीर ही रही है कि इतना बड़ा कलाकार हमारे खंडवा में जन्म लिया किशोर दा ने, और हर कलाकार आकर किशोर दा को नमन करने पहुंचता है। प्रोग्राम में तय था कि किशोर समाधि भी वो अमीषा पटेल जाएंगी, लेकिन वहाँ पे भी नहीं गई। माँ नवचंडी धाम पे भी जो कलाकार आता है वो दर्शन करने जाता है, लेकिन उन्हें बाहर जूते पहन के बाहर से ही दर्शन करके सीधे स्टेज पर चली गई। कहीं ना कहीं धार्मिक भावना भी उससे आहत हुई है। Subscribe now to most exciting channel ever.